नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube से ऑनलाइन पैसा कमाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं। जी दोस्तों, ये मेथड अभी तक YouTube पे शायद किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि जो प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो YouTube पे किसी ने नहीं बताया। और अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, इस तरीके से इस काम को करते हो, तो आप ऑनलाइन YouTube से बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप हर महीने 5 से 10 लाख रुपए जनरेट कर सकते हो YouTube से। मैं ये सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप सभी स्टेप्स को फॉलो करिए, किसी भी स्टेप को कहीं पे स्किप मत करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो फिर आप पूरे तरीके से जान नहीं पाओगे कि कैसे क्या करना है। ये बिल्कुल ही जेन्युइन मेथड है। जी हाँ, आपको किसी तरह का कोई स्कैम या स्पैम नहीं करना है यूट्यूब पे, आप जेन्युइन तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, और वो भी मूवीज अपलोड करके। जी हाँ दोस्तों, मूवीज अपलोड करके। आप हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की मूवी अपलोड करिए और उससे यूट्यूब से पैसा कमाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, यूट्यूब आपको पैसे देगा। लेकिन अगर आप जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको पूरा फॉलो करोगे, तो मैं आप लोगों को कोई भी स्कैम, कोई भी स्पैम करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन मेथड बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के मेथड यूट्यूब से और कोई नहीं बताएगा। और हमारे चैनल पे ये मेक मनी ऑनलाइन की पूरी सीरीज चलने वाली है, जिससे कि आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, वो भी यूट्यूब से। और बाकी भी प्रोसीजर, बाकी भी मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं। दोस्तों, इस नीच में बहुत ही पैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नीच में इतना पैसा है कि जितना आप काम करोगे इतना आप पैसा कमाओगे। आप महीने के 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो, बहुत ही कम काम करके। पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मैं आपको आगे, लेकिन ये पूरा आपको पूरा स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पता, अगर आप मूवीज अपलोड करते हो, अगर आपको एक भी स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए पूरे प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो करना है। मैं सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहाँ से आपने ऑडियो लेनी है, कहाँ से वीडियो लेनी है, कैसे उसको एडिट करना है, और कैसे वीडियो अपलोड करनी है, और एक अच्छी खासी इनकम पर मंथ जनरेट करनी है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और सब्सक्राइब करके नीचे बेल की नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए, और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस घंटे को बजाए ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और ये मैंने आपके सामने एक चैनल खोला हुआ है। इस चैनल को आप ध्यान से देखिए, नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको इसके कुछ स्टैट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप उन पे फोकस करिए, वो स्टैट्स देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चैनल जो बना है वो बना है, इस पे जो व्यूज आ चुके हैं वो 441 मिलियन व्यूज इस चैनल पे अभी तक आ चुके हैं। तो ये चैनल कंटेंट क्या डालता है जो इतने सारे इसको व्यूज मिल रहे हैं और आपको वो व्यूज नहीं मिलते। तो देखिए, मैं इसकी वीडियोस खोल लेता हूँ, और आप वीडियोस में देखिए कि ये सारी जो भी इसकी वीडियोस हैं, ये देखिए, ये सारी मूवीज की क्लिप्स हैं, ये सारी मूवीज की क्लिप्स हैं जो ये डाल रहा है। ये देखिए, 10 घंटे में इसके 300K व्यूज आ चुके हैं, ये एक दिन में 540K व्यूज आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो 4 दिन में, 10 दिन में, ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। मतलब कि ये देखिए, 6 दिन में 1.2 मिलियन व्यूज, 7 दिन में 1.1 मिलियन व्यूज, व्यूज की ऐसे भरमार है। और आप देख सकते हो, सारी की सारी ये जो डाल रहा है, ये सारे मूवीज के क्लिप्स डाल रहा है, पूरी मूवी नहीं डाल रहा है, ये मूवीज के क्लिप्स, ये जो है 10-10 मिनट की वीडियोज डाल रहा है मूवीज की। और व्यूज देख सकते हो आप, तकरीबन मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये देखिए, 1.7 मिलियन 2 हफ्तों में, तभी तो इसके 441 मिलियन व्यूज हुए हैं। आपने देखा इसके 441 मिलियन व्यूज, और वो भी 1 जुलाई 2021 को बना था, और आज है 17 जनवरी 2022। तो अगर मैं इसकी डेट जो कैलकुलेट, 21/7/2021 को ये चैनल बना था, आज है 17/1/2022, तो अब तक इस चैनल को बन हुए सिर्फ 180 दिन हुए हैं। 180 दिन में इतना व्यूज, तो अर्निंग कितनी होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि आप जो है ये वीडियोस के क्लिप्स कहाँ से लोगे,
ये वीडियोस कहाँ से आप लोगे, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, वो सारा डाटा मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा। बस आपको डाटा लेना है, अपलोड करना है और अर्निंग करनी है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे आप एडिट करोगे तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो अगर आप मूवी की वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर आपको कॉपीराइट आ जाता है और आपका चैनल टेक डाउन हो जाता है। लेकिन पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा, फेयर यूज पॉलिसीज के थ्रू आप ये सब करोगे और अच्छी खासी अर्निंग करोगे। लोगों ने इसका कॉपीराइट का बड़ा हुआ बना के रखा है मूवीज का कि आप क्लिप्स नहीं डाल सकते हो, लेकिन ये भी चैनल है, ये कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, ये मतलब कि किसी कंपनी का चैनल नहीं है, किसी बंदे ने चैनल बनाया हुआ है और ठीक ठाक डिसेंट अर्निंग जो है वो इस चैनल से ये कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब इस चैनल के पिछले महीने के जो स्टैट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम सोशल ब्लेड खोल लेते हैं और ये देखिए, सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि पिछले महीने इसके जो है 63 मिलियन व्यूज आए हैं। 63 मिलियन व्यूज एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, पिछले 30 दिन में इसके 63 मिलियन व्यूज आए हैं और इसकी अर्निंग आप देख सकते हैं 53.9K, 254K डॉलर ही हो जाते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 254,000 इंटू अगर मैं करता हूँ 75, तो आप जो देख सकते हो ये डाटा आपकी आंखें फाड़ देगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,90,50,000 रुपये इसकी अर्निंग ये बता रहा है पिछले एक महीने की। लेकिन इतनी ज़्यादा अर्निंग ये होती नहीं है, मैं आपको सारा ये बताता हूँ कि ये कितनी अर्निंग इनकी होती है और क्या होता है। ये आप नीचे देख सकते हो इसके स्टैट्स, इसके रोज के 1.5 मिलियन, 3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन इस तरह से व्यूज आ रहे हैं। पूरा देख सकते हो 3 मिलियन, 1.5 मिलियन, ये बीच में एक दिन। और अगर आप इसके सब्सक्राइबर की बात करें तो 10,000, फिर इसमें कुछ नहीं, 10,000, 10,000, मतलब कि अप्रॉक्स अगर आप लगा के चलें तो इसके 5.33K रोज़ के सब्सक्राइबर आ रहे हैं, 5,000 सब्सक्राइबर रोज़ के इसके आ रहे हैं इस चैनल के। और अगर हम इसके डेली के व्यूज़ की बात करें तो अप्रॉक्स व्यूज इसके 2 मिलियन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 मिलियन व्यूज लाना बहुत बड़ी बात होती है और ये चैनल ऐसे व्यूज ला रहा है। और ये अर्निंग की बात करें तो 8,500 की ये बता रहा है अर्निंग। लेकिन हम मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ इसके स्टैट्स, ये इस चैनल ने अब तक कितनी कमाई करी है और कितना इसका जो है अर्निंग हुई है। अगर मैं इसके जो चैनल की इसकी डेट आपको मैं बता रहा था, इस चैनल की बनने की जो डेट है वो है 1 जुलाई 2021, और इसके जो व्यूज आए हैं वो हैं 441 मिलियन। तो अभी मैं कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया था इस चैनल को बने हुए सिर्फ एक को बताया था इस चैनल को बने हुए सिर्फ 180 दिन हुए हैं। अगर इस चैनल को 180 दिन हुए हैं और 180 दिन में 441 मिलियन इसके व्यूज आए हैं, तो हम अगर कैलकुलेट करें, ये जो इंग्लिश चैनल होते हैं इनका जो RPM वगैरह होता है ये तकरीबन 1,000 व्यूज पे $2 मिलते हैं। इंडिया में कम होता है, लेकिन ये इंग्लिश चैनल है तो इसका RPM $2 से $5 तक जाता है। लेकिन अगर हम मिनिमम भी लेके के चले तो इनके 441 मिलियन व्यूज हैं। और अगर हम इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इस 441 मिलियन व्यूज पे इनको जो है अगर $2 का 1,000 व्यूज के आपको $2 मिलते हैं तो आप कर सकते हो 1,00,000 व्यूज के आपको $200 मिलेंगे। तो 10 लाख व्यूज का 1 मिलियन होता है, तो आप देख सकते हो कि उसके फिर आपको 1 मिलियन के $2,000 मिलेंगे। तो 441 इंटू 2,000 करके मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैं ऐड रेवेन्यू बता रहा हूँ जो कि एडसन से मिलता है, यूट्यूब से मिलता है। मैं इसमें एफिलिएट मार्केटिंग इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें किसी तरह की कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपल मैं आपको जो है ये कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि ये जो आपको एडसन से रेवेन्यू मिलेगा यूट्यूब से मिलेगा। जब हम इसे 8,82,000 डॉलर इन्होंने जो है वो अभी तक जनरेट किया है, ये जो है ये इनका डॉलर्स में है। अगर मैं इसे रुपीस में कन्वर्ट करूं, इनटू मैं करूंगा 75, क्योंकि डॉलर 75 रुपये का है। अब आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10, 6,61,00,000 रुपये अभी तक ये इस चैनल से बना चुके हैं टोटल अमाउंट। वो जो आपको मंथली में बता रहा था ये टोटल इस चैनल ने 6
6,61,50,000 रुपए बना लिए हैं, वो भी कितने दिन में, 180 दिन में। आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहा है ये चैनल और कितना पोटेंशियल है इस नीच में, जिसमें कि लोग काम ही नहीं कर रहे, लोग डरते हैं इस चैनल पे, इस तरह का चैनल बनाने में, कि वो सोचते हैं इसके इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, ये हमारी चैनल डिलीट हो जाएगा, हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप अर्निंग कर सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपके साथ डाटा शेयर किया है इस चैनल का, अब मैं आपको इस चैनल का नाम रिवील करता हूँ। इस चैनल का नाम है मिस्ट्री रिकैप्ड, या दोस्तों मिस्ट्री रिकैप्ड इस चैनल का नाम है, आप इसे देख सकते हो। और इसके ऊपर जो भी वीडियोस हैं, ये सारी की सारी मूवीज की क्लिप्स हैं जो आ रही हैं। उस चैनल के सब्सक्राइबर देख सकते हो 1.58 मिलियन, 180 दिन में इस इनके 1.58 मिलियन, मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका एक दिन में कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तकरीबन 1,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर एक दिन के आ रहे हैं इनके। कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो आप कैसे ये चैनल बना सकते हो, आप कैसे इस तरह का काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, वो सब कुछ मैं अभी आपको। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि ये जो इस चैनल पे मूवीज के ये जो क्लिप्स डाल रहे हैं और इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, 10 घंटे में 3,00,000 व्यूज, एक दिन में 5,00,000 व्यूज, तो ये आप किस तरह से करोगे। आप ये एक मूवी का टाइटल डालते हैं, ये मूवी का नाम नहीं डालते, उसका एक मिस्टीरियस सा टाइटल डाल देते हैं। जैसे ये हमें नहीं पता कौन सी मूवी है, इन्होंने लिखा इन 2067 ऑक्सीजन इज नो लॉन्गर फ्री, कॉस्टिंग $5,000 पर डे। तो ये किसी मूवी का इन्होंने, मूवी का ही इन्होंने पूरा लिया हुआ है, लेकिन ये टाइटल इन्होंने थोड़ा चेंज करके डाला हुआ है, मूवी का नाम नहीं डाला हुआ। व्हेन डॉग्स फाइनली रूल ओवर ह्यूमंस, आपको भी ऐसे ही करना है। आपको जो कोई मूवी आपको अच्छी लगती है या जिस भी मूवी की आपने वीडियो बनानी है, तो आपने उस मूवी का जो नाम है वो आपने गूगल में सर्च कर लेना है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, पूरा फॉलो करिएगा और इसी तरह से काम करिएगा। जैसे मैंने मूवी देखी थी रॉयल कैसीनो, ये जेम्स बॉन्ड की, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ रॉयल कैसीनो। तो ये 2006 में आई थी मूवी, और 2006 में आई थी मूवी, और आपको जो है इस मूवी का जो है वो पूरी समरी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, रॉयल कैसीनो फिल्म लिखा है तो इसके आगे मैं लिख दूंगा सिनॉप्सिस, रॉयल कैसीनो फिल्म सिनॉप्सिस। जैसे मैं लिखता हूँ तो मेरे सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनमें इनकी समरी होगी, तो मैं इनमें से कोई भी वेबसाइट मैं ले सकता हूँ। तो मैं ये लेता हूँ IMDB, ये ट्रस्टेड वेबसाइट इसलिए क्योंकि ये अमेजोन की ही पार्टनर वेबसाइट है, तो आप इसे ले सकते हो और इसकी समरी आप जो है वो इससे लिख सकते हो। अगर आपके सामने कोई और वेबसाइट भी आती है तो आप उसकी समरी भी ले सकते हो और उससे भी समरी लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी वेबसाइट से करना है, बस आपको समझ आनी चाहिए, अगले बंदे को समझानी आनी चाहिए। तो ये उसकी सिनॉप्सिस करके ये पूरी उसकी समरी आ गई पूरी मूवी की, कि ये मूवी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब आपको क्या करना है कि ये वाली वेबसाइट भी अगर आप सेम टू सेम यही समरी लेके, तो ये आप मूवी आगे चलाते हो पीछे ये समरी डाल देते हो, तो ये वेबसाइट भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती है। तो आपको इसमें चेंजेस करने हैं। जी हाँ, आपको जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको ये कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको गूगल डॉक्स या वर्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आपको खोलिए, तो मैं ये गूगल डॉक्स खोल लेता हूँ क्योंकि ये बेटर है। तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो आपने इसकी वर्डिंग को चेंज करना है। आप कोई भी स्पिनर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो कि इसको टेक्स्ट को स्पिन कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है स्पिनर सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, आप खुद ही इस टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करें। जैसे द मूवी बिगेन्स इन अ ब्लैक, बिगेन्स की जगह आप जो है चेंज करके लिख दीजिए स्टार्ट, START, स्टार्ट इन ए ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस इन द सिटी ऑफ प्रेग। तो आप यहाँ से ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक लिख सकते हैं, जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक सीक्वेंस इन द सिटी प्राग सीज्ड क्विकली वेयर जेम्स बॉन्ड हैज ट्रैक्ड डाउन। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं बीच में ये चेंज करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, उनके सिनोनिम नहीं पता होंगे, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, द
saurus.com, thesaurus.com। इस वेबसाइट पे आके आप किसी भी वर्ड का एक सिनोनिम ढूंढ सकते हो। जैसे ये सेलिंग वर्ड था तो मुझे नहीं पता इसकी जगह कौन सा बेटर वर्ड है, तो मैं यहाँ पे आके उस वर्ड को पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा तो मुझे ये उस वर्ड के जो है वो सिनोनिम बता देगा। जैसे उसकी जगह मैं ऑक्शन कर सकता हूँ, चेंज या ट्रेडिंग, ट्रांसफ़र, सेल। तो जैसे मैं ट्रेडिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे हैज हु हैज़ बीन ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग। इंफॉर्मेशन का भी अगर मैंने चेंज करना है तो मैं इसे कॉपी करके इसी वेबसाइट पे जाऊँगा और इंफॉर्मेशन को मैं सर्च कर लूँगा तो इसके सिनोनियम मेरे सामने आ जाए कर लूँगा तो इसके सिनोनियम मेरे सामने आ जाएंगे और मैं इनमें से किसी भी उसको कॉपी करके तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जो है इस तरह से आपको हर लाइन में तीन चार वर्ड का एक सिनोनियम लिख लेने हैं ताकि ये जो आपका जो समरी है वो आपकी अपनी बन जाए, ना कि ये उनकी समरी रहे, उस वेबसाइट की समरी रहे, ताकि वो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना मार सके। जब ये सारा पैराग्राफ आपका चेंज हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, voicemaker.in। यहाँ दोस्तों आपको इस वेबसाइट की, इसमें जो है अलग वॉइसिस हैं जिस भी वॉइस में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है कि पूरा नहीं लेना है, आपको लाइन बाय लाइन लेना है। तो आपको जैसे एक लाइन है, आप एक लाइन कोई भी ले सकते हैं और उसे कॉपी करके तो यहाँ पे आके जब आप पेस्ट करेंगे तो अब आपको इसमें स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी बच्चे की आवाज़ चाहिए, मेल फीमेल जो भी है। जैसे मुझे ये जोर्डाना फीमेल चाहिए तो ये कन्वर्ट टू स्पीच कर देगा, तो ये आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ से सुन सकते हो प्ले करके और उसके बाद में यहाँ से सिंपली डाउनलोड टू MP3 करोगे, आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके PC में। ये आप देख सकते हो डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको जब आपने वीडियो बनानी है तो उसके पीछे यही छोटी छोटी वॉइस की क्लिप्स आपको उसके पीछे लगानी है, वीडियोस के पीछे, ताकि जब ये वीडियो प्ले हो मूवी तो पीछे ये क्लिप्स प्ले हो, उनको ये सुनाई दे। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैं जो है पूरा पैराग्राफ कॉपी करके तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में कर लूँगा एक ही बार में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फ्री है तो फ्री वाले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा आर्टिकल वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, स्पीचलो, यहाँ SPECHELO.com। ये जो है ये पेड सॉफ्टवेयर है। अगर तो आप इस टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ये इस वक्त डिस्काउंट पे $47 का मिल रहा है और ये लाइफ टाइम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप वाकई में इस टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार एक एक लाइन कॉपी करके आपको बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, बड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे परचेज कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जो वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा, नहीं तो मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो आप इसका यूज़ करके पूरे के पूरे आर्टिकल को आप देख सकते हो, वन टाइम पेमेंट है, नो मंथली फीस कोई नहीं है, एक ही बार में आपको पूरा के पूरा ये मिल जाएगा। और इसमें आपको जो है क्या क्या मिलेगा आप एक बार देख सकते हो, 100% ह्यूमन साउंडिंग टेक्स्ट से 100% ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर विद ओनली 3 क्लिक्स, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना। और इनका जो है वॉइस ओवर इज AI जनरेटेड, ठीक है। और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म एनी टेक्स्ट इनटू स्पीच, किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में बना सकते हो, मेल फीमेल वॉइसिस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड 30 से ज़्यादा ह्यूमन वॉइसिस इनके पास हैं अलग अलग, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और ये वर्क्स इन इंग्लिश एंड 23 अदर लैंग्वेजेस, सिर्फ इंग्लिश में नहीं काम करता, 23 अदर लैंग्वेजेस में भी काम करता है, और इनमें शायद हिंदी भी हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो हिंदी तो आप खुद ही बोल सकते हो। आपको अगर हिंदी मूवीज़ पे बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिया था तो अगर इंग्लिश में आपको मिलता है तो उसे गूगल में ओपन करके उसे ट्रांसलेट कर लेना, translate.google.co.in में आपने आना है। और जब ये वेबसाइट आपको खुली थी आपको इस सारे को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके तो आपको इसमें गूगल ट्रांसलेट में चला जाना है।
इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे तो आपके सामने ये सारा का सारा हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। और इसको आपको अपनी भाषा में बोल देना है। अगर नहीं बोलना है तो आप इसी तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। जाएगा ये आपकी मूवी हो जाएगी। कोई भी वेबसाइट, कोई भी मूवी का ओनर आपको उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता, क्योंकि आप यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसीज के अंडर आ रहे हैं। यूट्यूब के जैसे यूट्यूब ने आपको अलो करता है आप उसी तरीके से काम कर रहे हो, तो यूट्यूब भी आप पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं मारेगा। अब आप बोलोगे कि मैंने मूवी देखी नहीं और उसकी समरी भी बना दी, उसकी वीडियो बना के लोगों को बता दी, तो क्या वो सही होगी? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने समरी यहाँ से उठाई है ये बिल्कुल ही परफेक्ट समरी है, और आपको ये बिल्कुल ही पूरी तैयार करके मिली हुई है, और आपको यही आगे परोस देनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लैंग्वेज में मूवी का जो है समरी बनाना चाहते हो, तो आपको वो मूवी देखनी पड़ेगी। वो मूवी देख के तो आप अपनी लैंग्वेज में समरी बना सकते हो, या फिर आप बेटर तरीके की समरी बना सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है टाइटल। जी हाँ, आपकी ये जो वीडियोस हैं, ये जो इतनी वीडियोस चल रही हैं, ये इसीलिए चल रही हैं, इसीलिए इन पे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो टाइटल है ये थोड़ा मिस्टीरियस बनाया गया है। मिस्टीरियस टाइटल होने की वजह से इस पे जो है लाखों में व्यूज आते हैं यहाँ। और आपको भी इस मूवी का जो टाइटल है वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप करना पड़ेगा, तो वो अगर आपको मूवी आती आपने देखी हुई है तो आप इजीली बना लेंगे। लेकिन अगर आपने मूवी नहीं देखी हुई है तो आप समरी में ही जाके उसमें से कुछ मिस्टीरियस सा टाइटल बना लीजिए, और वो आप टाइटल में यूट्यूब वीडियो की टाइटल में लिख लीजिए, और उसके बाद में ये जो समरी है आप इसका ये स्पीच लो से इसकी जो है वॉइस बना लीजिए। अब आप कह रहे थे कि हिंदी वॉइस, ये देखिए आप इसमें हिंदी फीमेल, हिंदी मेल सारी वॉइसेस अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, 7 हज़ार रुपये तक खर्च कर रहे हो ये सॉफ्टवेयर परचेज करने में, तो ये आपका नुकसान ही है, ये आपका बेनिफिट ही होगा। नुकसान ही है, ये आपका बेनिफिट ही होगा। और एक बार परचेज कर लेने के बाद आप जो है लाखों करोड़ों पूरी लाइफ टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हिंदी लैंग्वेज है, मेन बात ये है, हिंदी लैंग्वेज है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात ये रही कि आप हमारे पास वीडियो की समरी आ गई, हमने उसकी वॉइस भी बना ली, तो अब हम जो है इसकी क्लिप्स कहाँ से लेंगे? इसकी वीडियो आप फिर से यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब ही आपको वीडियोस देगा। अब आपको हमने जो मूवी निकाली थी कैसीनो रॉयल, तो आप यहाँ पे सर्च करिए यूट्यूब में आके कैसीनो रॉयल ट्रेलर फुल मूवी, या फिर आप लिख सकते हो बेस्ट सीन्स। तो आप चाहे तो पूरी मूवी कहीं से डाउनलोड करके तो उसकी भी 8 मिनट की 10 मिनट की क्लिप बना सकते हो, लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए जो है आपको हाई एंड पीसी और तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर्स चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ये सिंपली यहाँ पे जाके छोटे छोटे मूवीज के जो बेस्ट क्लिप्स होते हैं वो ले लीजिए, मूवीज़ का ट्रेलर ले लीजिए, और इसको एडिट करके 8-10 मिनट की वीडियो बना लीजिए। जैसे ये जेम्स बॉन्ड की मूवी है, इनके छोटे छोटे ये क्लिप्स हैं, ये करके 4-5 क्लिप्स लेके मैं इनको डाउनलोड करके और इनकी 8-10 मिनट की वीडियो क्लिप बना लूँगा। वीडियो क्लिप बनाने के लिए मुझे जो है होगा तो एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है OBS स्टूडियो, जिसे आप गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और बड़ा ही आसानी से इसमें वीडियो एडिट कर सकते हो। आपको कुछ भी स्पेशल इफेक्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, सिंपली आप क्लिप्स को कट कॉपी पेस्ट करके एक वीडियो बना लीजिए 8-10 मिनट की, और उसके पीछे वो जो आपने स्पीच थी वो नीचे उसके पीछे बैकग्राउंड में वो लगा लीजिए, और आपकी वीडियो बनके तैयार हो जाएगी, और आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दीजिए, और आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकोगे, 5 से 10 लाख रुपए महीने। अब आप बोलोगे कि जब आपके पास अर्निंग होने लगे, शुरू शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टार्टिंग में भी ये काम कर सकते हो, नहीं तो जब आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी तो आप जो है एक वेबसाइट है fiverr.com, यहाँ पे आप जाके, तो यहाँ पे आप जो है ऊपर लिखिए कंटेंट राइटर, आपको नीचे कंटेंट राइटर
मिल जाएंगे। इनसे आप जो है समरीज लिखवा लीजिए, इनसे आप कुछ भी मूवीज का लिखवा लीजिए। फिर आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे वीडियो एडिटर, वो भी मिल जाएंगे। इनको आपने सिंपली पैसा देना है और इनको वीडियो देनी है, क्लिप्स देनी है, तो ये एडिट करके दे देंगे, नहीं तो ये आपको खुद ही यूट्यूब से डाउनलोड करके एडिट करके आपको। तो आप यहाँ पे जाके जो है अपना सारा काम करवा लीजिए और सिंपली वीडियो अपलोड कर दीजिए। जब आपके पास पैसे आने शुरू हो जाए, अगर आपके पास स्टार्टिंग में है तो आप शुरू में ही ये सब कर सकते हो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं तरीके बताऊंगा कि आप इस चैनल से ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल से, ये जो आपको चैनल मैंने बताया, इससे ज्यादा अर्निंग करने के लिए आपको ये एक वेबसाइट है ऑफर वैलेट, आप इसको सर्च कर लीजिएगा offervalet.com। इसमें आके अब आप यहाँ पे लिख लीजिए नेटफ्लिक्स, आप यहाँ पे लिखोगे, आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे आपके पास कितने ऑफर है। आप 8 मिनट की मूवी की समरी डालो, कुछ लोग होते हैं वो समरी देख के उनका मन करता है कि पूरी मूवी देखें, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है मैक्स बाउंटी की लीड्स हैं, जैसे ये है विन ए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप साथ में लिख सकते हो कि अगर आप ये पूरी मूवी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके या क्लिक करके आप जा सकते हो और मूवी देख सकते हो। अब आप जब ये इस तरह का इनका मैक्स बाउंटी यहाँ पे आप अकाउंट बना लेंगे, एक जो है एक बंदा अगर आपके लिंक से सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको $2.88 मतलब कि तकरीबन आपको जो है 250 से 300 रुपये तक मिलेंगे, तो एक क्लिक का आपको 300 रुपये तक मिलेगा। अब आप देखिए जब ये इतने व्यूज आ रहे थे आपके पास, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 मिलियन व्यूज आते हैं, अगर 1 मिलियन व्यूज में से भी, मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि अगर 10 लाख एक दिन के व्यूज आ रहे हैं तो उसमें से 1000 यूजर ही सिर्फ आपका जो है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये आप देख सकते हो 3 लाख रुपए आपके एक दिन की अर्निंग बता रहा हूं, 3 लाख रुपए आपके एक दिन के बन जाएंगे सिर्फ सब्सक्रिप्शन से। और अगर आप इंटू 30 कर दोगे तो फिर आप देखिए 90 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ले रहे हैं, YouTube की अर्निंग अलग है। और आप जो है वो YouTube से 5 से 10 लाख कमा रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 करोड़ रुपए तक महीने के आप बना सकते हो। ये दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, तो अभी इसी टॉपिक पे जाके चैनल बनाइए और काम करिए और एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करिए। अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अब आनी शुरू हो गई हैं। आप जब भी हमारे चैनल पे जाएंगे तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने हमारे चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितनी भी वीडियोस बनी है, वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग की, मेक मनी ऑनलाइन की पूरी, यहाँ पे ये देखिए मेक मनी फ्रॉम अमेज़न एफिलिएट, मेक मनी ऑनलाइन की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है और भी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन मनी मेकिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना होगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।